सर्वप्रथम हम दोनों भाई आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अभी जब गुरुदेव आपसे चर्चा चल रही थी तो जो अक्सर हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि विश्वास, श्रद्धा और आस्था, जिनके ऊपर पूरा हमारा जीवन खड़ा हुआ है, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, जब भी आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि तीनों का अर्थ एक होता तो आप तीन शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसकी परिभाषा आपने कुछ सोच के ही बोला है। मैं ये देख लीजिए ना, तीन चीज़ पर विश्वास की जरूरत आवश्यकता है। एक तो आप अपने पर, आत्मा पर विश्वास, और समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छाई की जीत होगी, इस पर विश्वास, और तीसरा एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास। ये तीन तरह का विश्वास जीवन में आवश्यक है। आप इसको एक को आस्था बोलिए या एक को श्रद्धा बोलिए, एक विश्वास बोलिए, कुछ भी बोलिए, मगर ये तीनों जीवन में आवश्यक है। कि खुद पर विश्वास नहीं होता तो ये बीमारी हो जाती, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी होती। ऐसे ही हम हमारी संस्था पर, एक संविधान पर मान लो, या समाज के व्यवस्था पर, समाज पर विश्वास नहीं है। यदि हम समझते हैं सब चोर हैं, सब गड़बड़ हैं, तो समाज में हम एक कदम भी नहीं चल पाए। कोई काम होना हो तो आप किसी ना किसी पर विश्वास रख के तो करोगे ना। तो विश्वास बहुत आवश्यक है समाज में। फिर ईश्वरी विश्वास जो है वो बहुत आवश्यक है, उससे तो जीवन की प्रगति होती है। तो मतलब श्रद्धा, विश्वास और आस्था, ये हमारी मनस्थिति के अनुरूप, इनके अर्थ एक ही हैं, लेकिन मनस्थिति और परिस्थिति के अनुरूप ये बदलते रहते हैं। हाँ जी। वैसे आस्था जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। यूजुअली विश्वास और श्रद्धा ये संस्कृत का है, उसी को अपभ्रंश हो के आस्था बना है। मगर ये सब जीवन में होता ही है। जिस अंश में होता है उतना अंश में व्यक्ति सुखी और प्रगति पर शील रहता है। एक और मन में, हम सबके मन में विचार आता है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ लोग हैं, कि धर्म और अध्यात्म, इनके बीच में क्या अंतर है गुरुदेव? क्योंकि अक्सर इनको पर्यायवाची मान लिया जाता है। बहुत से लोग होते हैं, आवश्यक नहीं है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो, लेकिन ये तय है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो जो आपने चूंकि अपने उद्बोधन में ऊपर अभी आध्यात्म की जो एक उल्लेख किया था, तो इसके बीच के अंतर को अगर आप सरल शब्दों में हम लोगों को बता पाएं तो ये हमारे जीवन में दिशा निर्देश का काम कर सकती है। देखिए, धर्म में फर्क है, सबका अलग अलग वो धर्म है, स्वधर्म है, और एक क्षत्रिय धर्म है, एक तो व्यापारी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म, ये सब धर्म है। और मतांतर को हम यदि धर्म कहते हैं, आजकल दूर ईसाई धर्म है कि क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से इसको आप कैसी परिभाषा में लेके आते हैं, इस पर निर्भर करता है। यदि मतांतर इन सबको कहते हैं, और जैसे धर्म को जो धर्मो धारयते प्रजा, जो प्रजाओं को थाम के रखता है उसको धर्म आप कहते हैं, तो वो धर्म जो है मूल तत्व है, जिसमें जिसके जरिए जीवन सुगम पूर्वक समाज में चल सकता है। और अध्यात्म वही है जो सबको जोड़ता है, जिनमें आत्मीयता जगती है, सबको सब अपने लगते हैं, वो अध्यात्म है। जिस ज्ञान से तनाव मुक्त हम होते हैं, जिस ज्ञान से हमारे भीतर स्फूर्ति, ऊर्जा, संतोष, ये सब उत्पन्न होता, वो अध्यात्म है। भगवान कृष्ण गीता में बहुत साफ साफ इन बातों पर कहा है।
अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या सब श्रेष्ठ है जी। एक और, चूंकि हमारा जो देश है उसने सर्वाधिक दर्शन दिया है पूरे विश्व को, विश्व के पास इतना अधिक दर्शन जितना भारत ने विश्व को दिया है, इतनी अधिक दृष्टि वो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं दी है, तो हमारे पास चूंकि बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम के निवारण का कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम का कारण हो रहे हैं, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? मैं एक बात आपको इसमें, एक घटना आपको सुनाऊंगा। आपने सुना होगा इराक के जो धर्मगुरु आयतुल्लाह खोमेनी थे, उनके जो राइट हैंड आदमी है, उनका बहुत खास व्यक्ति बेंगलुरु आया हमारे पास, अभी कोई 30 साल पहले की बात है, अभी का नहीं। वो ढूंढते तो वो आके पूछे, देखिए मेरा ये संदेह है कि यदि सच्चाई एक होता तो वो एक ही रास्ता, तो एक ही होना चाहिए, एक शब्द का अर्थ कुछ होता है, वो सच्चाई जो है ना वो एक ही हो सकता है, तो रास्ता एक ही होगा, तो फिर ये सब अलग अलग चीजें कैसे सच हो सकता है, इतने सारे धर्म सच कैसे हो सकते हैं, सच तो एक ही होता है, इतने अलग अलग कैसे हो सकते। मैंने उनसे एक, मेरा आदत है प्रश्नों को प्रश्नों से जवाब देना, तो मैंने कहा देखिए यहाँ इस स्थान पर आने के लिए कोई आपसे किसी से आप पूछे, उन दिनों में GPS वगैरह नहीं हुआ करता था, कोई आपने इसका डायरेक्शन पूछे, रास्ता पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, आप सीधा जाइए और बाएं घूमिए, वहाँ आश्रम मिल जाएगा। और कोई दक्षिण से आ रहा है वो बोलेगा सीधा जाइए बाएं घूमिए, वो भी सही है। और यही तो जैन धर्म में भी अनेकांतवाद का यही तो रहस्य, स्यातवाद का यही जैन धर्म कहता है, सनातन धर्म में यही एकम सिद्ध सत्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य है उसको अलग अलग तरह से तुम देख सकते हो। ये जो ज्ञान है वो भारत ने ही दिया है दुनिया को। आपने बहुत अच्छी बात कही, हम लोगों के सामने जो संकट खड़ा हो जाता है वो खड़ा ये होता है कि जैसे हमसे ये कह दिया गया कि 100 जो योगफल है वह महत्वपूर्ण है योगफल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप मल्टीप्लाई करके 100 लाइए, 10 में 10 का गुणा करके 100 लेके आए, कुछ कहते हैं कि नहीं आप घटा के 100 लेके आए, कुछ कहते हैं कि नहीं 10 में 10 बार 10 जोड़ो वो 100 है। अब जिसने 10 में 10 बार जोड़ के 100 लेके आया तो गुणा वाला कहता है कि नहीं नहीं जो गुणा से जो जोड़ के आया है वो 100 सही नहीं है, जो गुणा से आया है वो 100 सही है। तो हम परिणाम की अपेक्षा प्रक्रियाओं के ऊपर जो अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी भ्रांतियां और बढ़ती जा रही हैं, तो इससे निवारण का क्या तरीका? अध्यात्म है? अब इसी अध्यात्म पे क्या है, बुद्धि से परे जाना, बुद्धिहीन नहीं होना, बुद्धिहीन की बात नहीं, बुद्धि से यो बुद्धि पर तत्व सहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो सत्य है जो मैं हूं मैं बुद्धि के परे हूं, तो बुद्धि को पार कैसे करोगे, वही विज्ञान है अध्यात्म। ये बहुत अद्भुत आपने बात कही और ये सब हम लोगों के मन में, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में खड़ा होता हुआ है प्रश्न कि बुद्धि और मन इनके बीच में क्या भेद है, हम कैसे इसके परे चले जाएं, वो क्या प्रक्रिया हो सकती है? अंतकरण चतुष्टय बोलते हैं, मतलब चार अंतकरण का चार प्रक्रिया है या क्रिया है, ये चार तरह के वो अपने आप को पेश कर। एक तो मन है, मन माने अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, यदि मन कहीं होता तो शब्द तो कान पे पड़ेंगे मगर आप सुन नहीं पाते हो। जिससे हम देखते हैं, जिससे सुनते हैं, सूंघते हैं, पांचों इंद्रियों से जो हम परसेप्ट करते हैं माने अनुभव करते हैं, ये मन है। ये अनुभव तो किया, पीछे बुद्धि कहती है
कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये सही है, ये सच है, ये बुद्धि है, मैं इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तर्क वितर्क ये जो करता है ये बुद्धि है। फिर चित्त जो है जो स्मृति को पकड़ के बैठ जाता है वो चित्त है। आपने ये देखा संगम यहाँ देखते बड़े आपको, अरे वहाँ पर भी एक संगम है वो याद आया। इधर कोई वृक्ष देखा तो पहले आपने वहाँ देखा, जब मैंने वहाँ देखा जबलपुर में देखा वो भी वृक्ष यही था, ऐसा ही था स्थान। तो ये स्मृति है, चित्त है, चित्त में जो इम्प्रेशंस होते हैं अपने छाप पड़ जाते हैं वो चित्त है। फिर अहंकार, अहंकार क्या, मैं हूँ, मैंने कहा इसलिए ऐसा होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात मानो। तो ये जो है ना ये अहंकार है। अहंकार में भी फिर राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। तो बुद्धि और मन का यही भेद समझिए, मन तो सब में होता है, पशु पक्षी में भी होती है, तो बुद्धि कम होते हैं उन सब में, मनुष्य में बुद्धि प्रखर होने लगता है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि बुद्धि से जब आप परे चले जाते हैं तो इससे, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है हेलो हाँ। हमारा ये जो तार्किक मस्तिष्क है जो सारी समस्याओं का कारण है, जो वही उसी के कारण अहंकार जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो इस तार्किक मस्तिष्क से परे जाने की जो आपने बात हमको बताई, इससे परे जाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है जो हम आम जीवन में चलते फिरते अपने गृहस्थ जीवन को बरकरार रखते हुए उस तक पहुंच सकते हैं? भाव, भाव में बुद्धि से परे जाते हैं। जहां भाव होता है वहां तर्क वितर्क नहीं होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भाव से किसी को मिलते हैं तो उस वक्त कभी तर्क नहीं करते। देखिए हम सब पैदा होते ही भाव जागता है। पहले एक बच्चा कभी नहीं सोचता मेरे माँ कौन सी स्कूल में पढ़ी है, क्या, माँ को देखते ही प्यार उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, वो बुद्धि के परे है। मगर अभी और 3 साल के बच्चे में क्या होता, बुद्धि जागने लगती, प्रखर होने लगता है। फिर जो युवावस्था में जाकर के बुद्धि प्रखर होता है, भाव में उतल पतल होने लगता है। आज देखिए, आज हमारे भारत में ही नहीं दुनिया भर के युवाओं में 2 बातें चल रही है, एक तो अग्रेशन, दूसरा डिप्रेशन, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, दूसरी तरह से ऐसा आक्रोश, अक्रा क्रोध जो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है लोगों को। तो अभी बुद्धि के परे जाने से ये ध्यान का है, मंत्र जाप करते करते मन के बुद्धि के परे हम जाते हैं। और बाकी 2 हाथों में साज है, गान है। तो गान, ज्ञान और ध्यान, ये 3 होने से जीवन में पूर्णता है। एक जो एक हमारी मान्यता और जिसमें मेरा अखंड विश्वास है कि परमात्मा की कथा सुनने से हमारे मन की व्यथा समाप्त होती है। इन दिनों परमात्मा की कथा तो हम निरंतर सुन रहे हैं, लेकिन व्यथा समाप्त होने की जगह व्यथा में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसका क्या कारण है? ना 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 ना, कथा सुनने से मन में बढ़ोतरी होती है ये बात नहीं है। मगर ये एक उपाय है उपायों में। नारद भक्ति सूत्र, नारद जी ने बताया, पूजा दिश्विति पाराशर, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। कोई पूजा करने में
रस आता है तो वो भक्ति उनमें वहाँ जागती है. किसी को कथा श्रवण में भक्ति आ सकती है, किसी किसी को गीत में, गाने में, भजन करने में, कीर्तन करने में या ध्यान करने में. तो इसलिए ध्यान करने से क्या होता, मन की जो चिंता जो है, परेशानी, वो दूर हो जाती है. योग और ध्यान और प्राणायाम का यही खास विशेषता है. आप सच कह रहे हैं. बहुत लोगों को वही सुनते रहते हैं, पुराण का श्रवण करते करते फिर कभी मन इधर उधर भागता है, टिकता नहीं है, फिर वापस आके थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर बाद में आके वही शारीरिक मानसिक कष्ट बना रहता है. मगर प्राणायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें, योग करें, तब तो निश्चित ही मन की चिंता समाप्त हो जाती है. इसीलिए आज दुनिया में एक तिहाई लोग ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं. भारत का ये जो ज्ञान को अपनाएं, उनको अपने पुराणों में, पुराण की श्रवण में उनका कोई रुचि नहीं है, मगर अवश्य अपने योग और ध्यान साधना में, प्राणायाम में उन्होंने देखा इसका बहुत निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है इसे. ये जैसा आपने बताया कि योग की जो हम बात कर रहे हैं, योग के 8 अंग जनरली जो हम लोगों को मिले हुए हैं कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि की ये जो हम बात करते हैं, लेकिन जब योग की बात आती है तो अक्सर मामला हम जैसे लोगों के जीवन में सिर्फ पीटी तक रुक जाता है. वो हमारे लिए पीटी एक्सरसाइज के जैसी हो जाती है, तो और उसमें सिर्फ आसन प्रमुख हो जाता है. तो ये जो यम नियम से होते हुए हम आसन तक पहुंचते हैं, और आसन के बाद जो प्रत्याहार और प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान, समाधि की जो बात है, तो ये हमारे लिए कैसे, हम जैसे लोग जीवन पर्यंत उसको धारण करते हुए कैसे हम उसके 8 अंगों तक पहुंच सकते हैं? यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो 8 अंग लेंगे. अपना दोनों तरह से पकड़ लेते हैं. हम जो आसन नहीं कर पाते हैं, शरीर उसका साथ नहीं देता, हमने कहा कोई बात नहीं, बैठ के ध्यान करो, ब्लड प्रेशर तो कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, फिर प्राणायाम करिए, फिर आसन भी होने लगता है ना, कर सकते हैं. तो कभी इसको सीढ़ी नहीं बताया. क्या हो गया हमारे देश में, हमने इसको सीढ़ी समझ लिया. अंग माने एक अंगी का अलग अलग एक भाग है, अंग अंगी, हमने इसको सीढ़ी समझ लिया. कोई कहता कि पूरा यम नियम साधना पूरा होने पर कभी ध्यान लगेगा आगे जाके, ऐसा नहीं है. अभी ये कुर्सी है, इसकी 4 पहिया है, किसी एक पहिया को भी आप पकड़ के खींचोगे तो पूरा कुर्सी आता है कि नहीं. ऐसे ही तो हमने पहले ध्यान शुरू कराया. अब देखिए कैसे कैसे आतंकवादियों को, जेलों में जो कैदियों को, और वहाँ नक्सलियों को, यहाँ झारखंड में, इनको क्या, इनको योग करो, कौन करने वाला, बैठो थोड़ी देर ध्यान कराते हैं. इनको 20 मिनट ध्यान कराया तो इनका मन बदल गया, तो फिर वो ध्यान में रुचि, अरे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, फिर ध्यान करें, फिर प्राणायाम कराया, फिर योग में वो उतर आते हैं. इसलिए अनुलोम विलोम दोनों प्रक्रियाओं से योग चल सकता है. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जिन आतंकवादियों को या दुर्दांत लोगों को, उनको तो ध्यान कराने से वो दुर्गम मार्ग से सुगम मार्ग पर आ गए, लेकिन हम लोगों के जीवन में जो सुगम मार्ग पर हैं, हमारा उत्साह उद्दंडता में बदलता जाता है, हमारा शौर्य कहीं ना कहीं उच्छृंखलता में बदलता जाता है. तो हम जो सुगम मार्ग पर हैं, देखिए सुगम मार्ग अपना समझते हैं मगर तनाव से भरे हुए होते हैं. जो तनाव में होते हैं वो कैसे सुगम हो सकते हैं भाई, शांतिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं और उससे तनाव से भर जाते हैं, तो फिर आक्रोश, फिर क्रोध, फिर बुद्धिहीनता सब दिखने लगती है जीवन में. इसलिए योग या अध्यात्म साधना सबके लिए कल्याणकारी है,
सिर्फ आतंकवादी नहीं है। अब देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को पहले आसन नहीं सिखाया, उनके सिर पर हाथ रखा, शक्तिपात किया, उनको ध्यान हो गया। फिर ध्यान के बाद वो पूरा योग में रुचि लिए, वो भी है। फिर कई लोग सिर्फ आसन कसरत कर समझ के ही शारीरिक रूप से योग को लेते जाते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ के प्राणायाम में ध्यान में रुचि आती है, फिर शाकाहारी बन जाते हैं। ऐसे भी जाके लोगों ने अपने गंतव्य पर पहुँचे हैं। आम आदमी के लिए मैं ये कहता हूँ, आज अपना भारत सरकार के साथ अपने ये भी शुरू किया है घर घर ध्यान। क्यों? मानसिक बीमारी से हमारी दुनिया आज जूझ रही है। एक तिहाई जनसंख्या, दुनिया भर के जनसंख्या मानसिक परिश्रम वो परेशानी से गुजर रही है। तो इससे बाहर आना हो तो ध्यान की साधना करिए, प्राणायाम करें और योग को अपनाइए। फिर देखिए फिर जीवन में आपके भीतर ये कैसा उल्लास उत्साह ये सब जागता है ना, फिर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी आप आसानी से सुलझा सकते हो। आपने अभी परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी की बात की, और ये तो सत्य है कि अगर सर्व समर्थ गुरु हो और गुरु का स्पर्श, जैसा कि हमारे पुराणों में भी और हमारे इतिहास में भी वर्णित है कि अगर किसी समर्थ गुरु ने भैंसे के ऊपर भी हाथ रख दिया तो वो वेद पाठ करने लगा, ऐसी कथाएं हमें सुनने मिलती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने पूज्य विवेकानंद जी के सर पे हाथ रख दिया तो समाधि को प्राप्त हो गए। हम लोगों के मन में हमेशा ये विसंगति या एक चिंता या एक ये चीज़ होती कि हम गुरु को कैसे पहचाने, क्या कान फूकने वाला गुरु है या ज्ञान फूकने वाला गुरु है। हम तो गुरु के भाव से या गुरु के पद से हमेशा हमारी जो नमन की शक्ति में भारत का पूरा विश्वास है, तो वो जो भी गुरु के पद पर हमें दिखता है हम उसको गुरु मान लेते हैं, और फिर पता लगा कि हमारा अग्रगामी अगर मतलब अक्षम है तो फिर जैसा गुरु वैसा चेला, वो वाली जो स्थिति होती है। तो हमारे लिए, क्योंकि ये भी मेरा मानना है कि किसी शिष्य में क्षमता नहीं होती कि वो गुरु तक पहुंचे, वो गुरु ही होते हैं जो शिष्य का चुनाव करते हैं और शिष्यों तक पहुंचते हैं। लेकिन उस शिष्य को कैसे पता लगे कि ये वो गुरु हैं, सर्व समर्थ गुरु हैं, जिनके ऊपर पूरा हम अपना भाव छोड़ दें तो ये हमें भाव सागर से पार करा देंगे। देखिए, कान से सूंग नहीं सकते, नाक से स्वाद नहीं ले सकते, जीभ से देख नहीं सकते, ऐसे बुद्धि से गुरु को परख नहीं सकते। हमारे भीतर दिल से कुछ होता है, दिल में लगता है ये सही है, तो अपने दिल की बात सुनो, दिल में लगेगा कि हाँ गुरु जी ठीक है। तब एक बार मैं स्वीडन में था, एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, क्या आप एनलाइटेंड हो क्या, आप बताइए, एक आप डोंट बीट अराउंड द बुश, डो घुमाइए मत, अब सीधा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा बताइए आप एनलाइटेंड हो क्या। मैंने उसको देखा, मैंने मुस्कुराया, नहीं तो हाँ बोलूँगा तो सिद्ध करना पड़ेगा भाई, क्या इस पचड़े में क्यों पड़ना है। मैं सीधा बोला कि नहीं, वो बोले नहीं नहीं आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा बोलिए, आप मेरे साथ सच नहीं बोल रहे भाई। फिर तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारे दिल में कुछ तो कह रहा है ना, तो भाई मैं नहीं हूँ बोला है तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे दिल में कुछ लगता है, कुछ तरंग आ रहे है मुझे, कुछ लग रहा है, तो उसकी बात सुनो, तुम अपने दिल की बात सुनो। देखिए रिश्ता, प्रेम की रिश्ता बुद्धि से नहीं नापा जा सकता, वो दिल से ही अनुभूति में आती है। तो सच्चाई की भी ऐसी, इसी को मैं सिक्स्थ सेंस कहता हूँ। एक और प्रज्ञा है हमें, सिर्फ पांच इंद्रियों की जाल से ही हम फंसे रहते, इससे हट के
हमारे भीतर एक अंतस्पुरणा है, उसको सुने। कई बार हमको मन में लगता है ना, अरे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, बुद्धि तो ऐसा कहती है, फिर अंदरूनी आत्मा की आवाज़ कुछ और होती है, फिर बोले नहीं ऐसा ऐसा करो। और जब भी आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करते हो वो सही होता है, सही नहीं होता तो वो इंट्यूशन ही नहीं है। तो ये गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही, माँ और बेटे का संबंध जैसा है, माँ और बच्चों का संबंध जैसा, और आत्मीय संबंध वो अपने आप जितना मना भी करो तो दिल नहीं मानेगा, वो सच्चाई। अब एक आपने चूंकि दिल से संबंधित बात करी है, हम लोगों के सबके साथ झंझट होती है जब भी हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो दिल की ही सुनते हैं और बहुत से संबंध उसमें से टूट जाते हैं, तो अब हम किस दिल की सुने गुरुदेव? क्योंकि झंझट यहीं पे होती है कि जब भी प्रेम हुआ किसी से तो हमारे दिल ने कहा, हमारा इंट्यूशन था और हम उसके प्रेम में पड़ गए, और फिर प्रेम में पड़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए और हमारी बात बिगड़ गई। देखिए प्रेम अलग बात है और संबंध अलग बात है। संबंध में हमारी अपेक्षाएं होती है, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती है। और प्रेम और संबंध जुड़ा रहता, कभी कभी कई बार तो वो सब होता ही है, तब हमें परेशानी में आ जाते हैं, तब बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ किसी प्रेम में पड़ गए, अरे तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम कहीं भी जाओगे तो प्रेम तेरे भीतर जग सकता है। अब सब बच्चों को देख के तो प्रेम होता है कि नहीं होता? तो मगर आपको शादी करनी हो या कोई और व्यवहार करना हो, भावुक हो कि नहीं है, प्रेम सिर्फ भावुक भावना नहीं है, प्रेम इससे परे है। यही जो जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुरु के साथ भी किसी भी शिष्य के अंदर समाप्ति का रिश्ता ही होता है, प्राप्ति का रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब वो समाप्ति के मार्ग पर चलता है और देखता है कि जीवन में उसका चुनाव, गुरु का चुनाव, वो उस समय शिष्य को लगता है कि उसने चुना, हालांकि चुना नहीं था, तो हम सब के भीतर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होता है कि वो लक्षण कौन से हैं। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने लक्षण प्रकट किए कि ये परमात्मा है, परमात्मा श्री राम का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने एक लक्षण प्रकट किए कि ये परमात्मा है। तो ऐसे ही जो संत, जो सर्वसमर्थ गुरु होता है, तो उनके लक्षण हम दुनियावी दृष्टियों से कैसे पहचान पाए ताकि हम ठगे ना जाएं? हाँ देखिए, इस तरह का संशय अर्जुन को भी हुआ था। अर्जुन ने थोड़ी ना शिष्य माना, गुरु माना, अपने आप को शिष्य थोड़ी ना माना था, वो तो सिर्फ सखा माना था, अपना रथ के ड्राइवर माना था, उनको सारथी मानी थी, तो बुद्धिमान व्यक्ति माने थे, मगर उनके दिल में कुछ तो होता रहा हमेशा। फिर उन्होंने बाद में जब उनका विश्वरूप देखा तब गुरु माना। कहने के मतलब ये है कि सिर्फ बुद्धि से आंक नहीं सकते, एक तो बात है। दूसरी बात है, जब गुरु का क्या लक्षण है उससे पहले शिष्य का लक्षण भी देखना चाहिए। हमारा कोई काम हो जाए प्राप्ति के लिए समाप्ति करना अलग बात हो है, बुद्ध को देखा, कुछ उनको प्राप्त हुआ तभी ना वो समर्पण हुआ। तो इस तरह से प्राप्ति से समाप्ति है, और यदि प्राप्ति की इच्छा से समाप्ति करते हैं वो तो मन से नहीं, वो बुद्धि से नहीं, वो मन से नहीं, वो फिर चलाकी से, वो तो व्यापारी कर रहे, यहाँ आओगे तो कुछ मेरे को मिल जाएगा। मगर एक गुरु में क्या होता है, ज्ञान, पांच लक्षण बताते हैं वैसे हमारे शास्त्रों के साथ, ज्ञान रक्षा, आपकी होश की रक्षा होती है, ज्ञान वृद्धि हो, ज्ञान रक्षा, दुख क्षय, दुख जो झेल रहे वो गुरु के पास आते ही दुख समाप्त होने लगता, सुख आविर्भाव, अपने आप बिना किसी कारण के खुशी अंदर से होने लगती, सुख आविर्भाव, फिर सर्व समृद्धि, सब तरह की समृद्धि होती, कमी नहीं महसूस होता जीवन में, समृद्धियाँ होने लगती है, और पांचवी है अपने भीतर से कुशलता जागने लगती है।
जो कभी कवि नहीं थे उनमें कविताएं आने लगती, ये तो आप देखेंगे बहुत, जो कभी किसी ने कविता नहीं लिखी ऐसे लोगों के भीतर से कविता आने लगी। मैंने से पूछे कभी लोगों को ऐसा अनुभव है, और जिनमें हीलिंग पावर आ जाती है, शक्ति दूसरों को, दूसरों का कष्ट दूर करने का, ब्लेसिंग देने का, आशीर्वाद देने की ताकत आती है। इस तरह की कुशलताएं उनमें, जो कलाएं हैं वो जागने लगती हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, ये सब होता है तो फिर वो सही है। आपने बहुत, मतलब ये तो हमारे अनुभवजन्य सत्य आपने प्रकट कर दिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी की कृपा रही। ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जिनके, जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति में आप चिंता मुक्त हो जाएं और ग्लानि मुक्त हो जाएं, यानी आपका अतीत विसर जाए और आपका भविष्य विसर जाए और आप वर्तमान में उपस्थित हो जाएं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक समर्थ चेतना जागृत होती है और फिर आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये आपने बहुत अद्भुत बात हम लोगों से कही, लेकिन झंझट ये है कि ये इतना बड़ा समुदाय है और इतने सारे सत्य हमारे पास हैं, इतने सारे सत्य हमारे पास हैं और सबके अपने सत्य हैं, तो सत्य का जो एक स्वरूप होता है, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन दूसरी तरफ दुनियावी तौर पे हम लोगों को लोग कह देते हैं कि सत्य कड़वा होता है, तो ये जो विरोधाभासी उक्ति है सत्य के प्रति, सत्य कड़वा होता है कह के उससे हमको विराग करवा दिया, और सत्यम शिवम सुंदरम कह के उसके प्रति हमका, हमारा अनुराग बढ़ा दिया, तो ये विसंगतियां क्यों हमारे सामने जगत में आती रहती है? यही तो है, यही गोल गोल है सब दुनिया हमारी जो सब बातें गोल गोल ही होता है। इस सत्य वही है, यही सत्य है कि सत्य में विरोधाभास एक साथ होता है। हाँ, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सबसे पहला यही है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो विरोधात्मक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक है और वो एक ही का अंग है। अब देखिए दो तरह के इसमें, दो, एक व्यावहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य। जैसे मैं कहूँगा अभी, ये मंच, एक कुर्सी, ये सब लकड़ी से बना है, तो ये फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखोगे, आग लगता है तो सब में आग लग जाएगा, ये सब लकड़ी है। मगर कुर्सी कभी मेज नहीं हो सकता, मेज कभी दरवाज़ा नहीं हो सकता, दरवाज़ा कभी छत नहीं हो सकती है। ये द्वैत है, ये भी सत्य है। हमारे देश में हम लोग ये द्वैत अद्वैत में इतने लड़ते रहे। अच्छा, वो आपने यहाँ हरिहर क्षेत्र घोषित किया, दोनों लेके आए, बहुत सालों तक लोग इसमें इस झंझट में पड़ते रहे, द्वैत सही है कि अद्वैत सही है। मैं कहता हूँ दोनों की अपनी अपनी जगह है। अब ये बिजली देख, इतने सारे बल्ब है, सब अलग अलग लाइट्स हैं, पर आप बिजली के दृष्टिकोण से, एक ही बिजली से ये सारा जो, एक ही जो करंट है, पावर लाइन है, उससे सब कुछ जगमगा रहा है, ये भी सत्य है, वो भी सच है। तो दोनों को साथ में लेके चलना, संभूति असंभूति, व्यक्त और अव्यक्त। एक अव्यक्त चेतना है, जैसे आपका शरीर व्यक्त है, आपका मन अव्यक्त है। मन का कोई चेहरा नहीं है, है क्या? मन का कोई चेहरा नहीं है। और एक क्षण के, मैं तो भगवान को एक मिनट में दिखा देता हूँ, तो एक मिनट नहीं, 15 सेकेंड में दिखा दूंगा। 15 सेकेंड आप आंख बंद कर देखो, तुम्हारा चेहरा है क्या? तुम्हारा मन का कोई चेहरा नहीं है। अब जो भी चेहरा आपके मन में आ रहा है सब झूठ है, सबको निष्कासित कर दो। और चेहरे से तो राग और द्वेष होता है। एक मिनट के लिए आप देख लीजिए, यहां जितने बैठे हैं सबके शरीर में एक ही बिजली, एक ही चेतना चल रही है, तो परमात्मा के अलावा और कौन दिखता है यहाँ? हमको यदि दुनिया दिखेगी या परमात्मा दिखेगा, दोनों में एक साथ नहीं। और थोड़ी थोड़ी क्षण में भी
हम ध्यान लगाते गए, समाधि का अनुभूति हम करने लगे, जीवन का स्तर ही दूसरा हो जाता है, एक नया दुनिया खुल जाती है अपने सामने, एक नई दुनिया खुल जाती है। एक और जो जनरली हमारी कहीं ना कहीं जो सदाचारी व्यक्ति होता है और एक दुराचारी व्यक्ति होता है गुरुदेव, और अक्सर सदाचारी व्यक्तियों को ये एक पीड़ा होती है कि दुराचारी बहुत आनंद में है भौतिक तरीके से या सारी चीज़ों से, और सदाचारियों को हमेशा संकटों से जूझते रहना पड़ता है, तो फिर सदाचारी की निष्ठा सदाचार के प्रति कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी दुराचार के मार्ग पर प्रवृत्त होने लगता है। आज आपने सुना है ना, कमजोर व्यक्ति सदाचारी बन ही नहीं सकता। सदाचारी बनना वो दिखावा होगी, बाहर सदाचारी होगा, अंदर ही अंदर वो दुराचार कर नहीं पा रहा हूँ इसका अफसोस करता होगा। और दुराचारी व्यक्ति आप ये मत सोचो गलत व्यक्ति है, वो दुराचार कर रहा है मजबूरी से, कई बार ना समझते, कई बार तनाव से। दुराचारी व्यक्ति में तनाव मुक्त हो जाए, उसके भीतर का सदाचारित्व जाग जाएगा। और सदाचारी व्यक्ति युक्ति के साथ जीवन को चलाए, भगवान कृष्ण जैसे युक्ति लगाए जीवन में, तब तो गीता के मार्ग पर चले, तब तो देखोगे वो दुखी होने की बात ही नहीं होगी। वो देखेगा कोई दुराचारी व्यक्ति ऊपर तो उठेगा मगर गिरेगा ही उतने जोर से, उसका निदर्शन तो लाखों हैं समाज में, जो गलत सलत करके ऊपर उठे हैं वो व्यक्ति बाद में सलाह के गिनने लगेंगे, बैठे चल चले जाते हैं। तो ये सामने आंख खोल के देखिए तो सही, दिख ही जाएगा। इसीलिए यतो धर्मस्ततो जयबल, धर्म के पालन करने से हाँ रास्ते में मुसीबतें आ सकती है मगर अंततो गत्वा सुखी वही होए। एक बहुत अद्भुत आप मतलब आपसे तो निरंतर अगर हम लगातार बात करते रहें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके साथ अब 42 वर्ष पहले आपने कहीं ना कहीं जगत में हम सूत्र बताने शुरू किए हैं, तो जब 42 वर्षों से जो लोग आपसे जुड़े हैं तब वे पूरे निष्णात नहीं हो पाए, तो हम इन 42 मिनटों में कैसे जीवन के उन तमाम सूत्रों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक जो मन में बात आती है कि हमारे पास इतने कल्याण जीवनोपयोगी कल्याणकारी शास्त्र हैं, कि अब जैसे गीता है, रामायण जी हैं, ये सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आज के पीढ़ी के पास या आज के दौर में इसको हम पूजनी तो हमने मान लिया है लेकिन इसको हम धारणी नहीं बना पाए, इसकी हमने पूजन के योग्य तो कर लिया है, इसके हमने चरण तो पकड़ लिए हैं लेकिन इसको हम आचरण में नहीं उतार पाए, तो इसके कारण इसको कैसे हम अप्लाइड तरीके से कि ये जो जीवन उपयोगी ग्रंथ हैं हमारे जीवन में कल्याणकारी हो सकें, तो उसका कोई एक अगर एक सुगम मार्ग आप बता पाएं तो बड़े आनंद का विषय हो। इसमें एक संशोधन मैं करना चाहता हूँ, हमको भ्रम हो गया, हमने चरण पकड़ लिया। चरण सच में पकड़ते हैं तो जीवन वहीं पर वहीं बदल ही जाता। हमने सोचा कुछ पूजा पाठ कर लिया, किसी ग्रंथ को पूजनीय मान लिया, फूल वूल चढ़ा दिया, समझ लिया अरे हमारा धर्म का हमने खाना पूरा कर ली, ये खुद को धोखा दे दिया हमने, भगवान को भी ऐसे धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं और समझते हैं अरे भगवान आपकी पेड़े को, नारियल को, फूल को, चुनरी के लिए वो भगवान नहीं संतृप्त होएंगे, वो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। यदि भाव से क्षण भर भी हम स्मरण करें कैसे जीवन में नहीं उतरेगा, आचरण में कैसे नहीं आएगा, कैसे कैसे लोगों का जीवन बदल जाता है। हम गीता में भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात् अपिचेत्सु दुराचारो, कितने भी दुराचारी क्यों ना हो थोड़ी समय के लिए भी मेरा स्मरण करें
बहुत जल्दी ही, और मैंने इसको देखा है। मैं आपको एक बताऊं, पिछले साल इस सितंबर में 8-10 साल बाद हम डेनमार्क गए थे। वहाँ इस तरह से गैंग मेंबर्स सड़क में जो घूमते, इतने ऐसे मोटे तगड़े टैटू वगैरह लगा के कितने लोगों को कत्ल किया, ऐसे 6,000 ऐसे लोगों को। अब जैसे उन्होंने सुदर्शन क्रिया करी, ध्यान करी, जीवन में परिवर्तन आ गया। तो उनको मैंने संबोधित करने हम गए थे, उनको मिला तो लोगों ने उनसे पूछा, गुरुदेव कभी हमारा पाप का माफ़ी हो सकती, क्षमा हो सकती है? और ये लोग आंसू बहाते हुए बोल रहे थे कि हम इतने धन्य हो गए आजकल। उसके बाद वहाँ के पार्लियामेंट में हमको बुलाया, आप ये बताइए मैं ये कैसे, आपने यहाँ का ये परिवर्तन कैसे हुआ, लेके आए? हमने कहा मानसिक स्वस्थता ही बहुत ध्यान देने योग्य है। जब भी कोई व्यक्ति दुराचार करता है, दुराचरण में है, उसका मानसिक स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं है। तो मानसिक स्वस्थ पर हम ध्यान दें तो व्यक्ति अच्छे हो जाए। इस दुनिया में कोई भी शिशु एक दुराचारी होकर नहीं पैदा हुआ है। संगत से सही अवसर के अभाव से वो ऐसे हुए हैं, इस बात को हमें देखना चाहिए। जी। एक जीवन में एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, और एक होता है टारगेट ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य। अक्सर हम कभी कभी लक्ष्यों की पूर्ति को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, और उन्नति के और सफलता के चरम शिखर पर खड़े होने के बाद भी जीवन के अंत में हमें अवसाद ही हाथ आता है, जबकि हम दुनियावी तरीके से सफलता के चरम पर खड़े हुए होते हैं। तो वो कैसे हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म का जो उद्देश्य है, तो हमने जीवन के लक्ष्यों को अपने जन्म के उद्देश्य से जोड़ लिया, तो उसको हम कैसे पहचाने के हमारे जन्म का क्या उद्देश्य था? देखो, इसको सरल भाषा में कहूँ तो एक तो अपने व्यक्तिगत जीवन के, जीवन में आपकी चाह क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने जीव समाज में आप क्या करना चाहते हैं। ये दो बातें हैं, ये दोनों जुड़ी हुई है। यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ना जाएं, आम जनता की भाषा में कहें, मैं ये कहूँगा कि दो विजन रखिए आप जीवन में। एक तो रखिए अपने लिए, एक रखिए समाज के लिए, देश के लिए। जैसे आपने अभी किया, आप पूरे समाज में जो लोग हैं सबको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक ही जगह हो, जो प्रवास नहीं कर सके दूर दूर तक, इस समाज के लिए क्या आपका दृष्टिकोण है? देश को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं? हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जाना चाहे, उसके लिए हम क्या करें? ये एक लक्ष्य रखें। दूसरा, हम कितने अपने अंतरंग को शुद्ध रख रहे हैं, अपने मन को कैसे वो विशालता में ले गया, वो चैतन्य शक्ति जो सब जगह व्याप्त है उसमें कैसे हम रम जाए, ये एक प्यास वो जग जाते धीरे 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 धीरे। ऐसा सब में होता ही, मैं ये समझता हूँ कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो आध्यात्मिक, जिसमें आध्यात्मिक रुचि नहीं हो, ऐसा है ही नहीं। हर व्यक्ति के भीतर ये है, मुझे ऐसा प्रेम का प्राप्ति हो जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा शांति की प्राप्ति हो जिसमें कोई कमी ना हो, इसकी चाह तो प्यास तो सब में होता ही है, और उसका पूरा करना जो है वो अंतर्मुखी होने से ही होगा। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, फिर बहिर्मुखी होने पर विजयी होते हैं, सब काम में सफलता आते हैं। एक आखिरी प्रश्न आप पूछ लीजिए बस। उसी दिशा में मैं भी समय की सीमा को समझ रहा था, और हम दोनों ने कान में यही बात करी कि अब एक आखिरी प्रश्न। आप, मैंने सुना है कि अभी इस समय अवसाद, डिप्रेशन के बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग की
लोगों से जुड़ रहे हैं और आप उसका बहुत उपचार कर रहे हैं। डिप्रेशन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और खासकर सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए नहीं, वो लोग जो प्रौढ़ अवस्था में भी आ गए हैं वो भी डिप्रेशन के भयंकर शिकार हो चुके हैं आफ्टर कोरोना। तो इसके लिए अब जैसे हम चारों धाम नहीं जा सकते, तो संजय ने चारों धाम यहाँ पे उपस्थित कर दिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुदर्शन क्रिया या आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में नहीं जा सकते, तो अब जब स्वयं आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर कुछ आपके ज्ञान कोश में से हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा। हमने बहुत सारे मेडिटेशंस लगा रखे हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, सब जगह। हमारा ऐप भी है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप, और आजकल सेलफोन तो सबके पास होता ही है, सेलफोन में डाउनलोड करो, उसको ऑन करो, बैठ जाओ आँख बंद कर, 10 मिनट में 15 मिनट में आपको ध्यान लगने लग जाएगा। तो गाइडेंस के बिना तो नहीं होता उसमें, पहले तो ऐसे गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, 2-4 दिन ऐसे अभ्यास कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही आज दुनिया भर में, देश भर में अब शिक्षक हैं, प्राणायाम सुदर्शन क्रिया सिखाने वाले सब जगह हैं आपके मोहल्ले में, वो टीचर को पकड़ गया, आप उनके पास बैठिए, 2 दिन में आपके भीतर ऐसा एक अलग जगा देंगे, ऐसा खुशी आनंद, उसकी चाबी कुंजी हाथ में मिल जाएगा, फिर आप उससे आप अपना जीवन में आनंद पाते रहिए, प्रसन्न रहिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों को तो ये लोभ था कि जब स्वयं साक्षात कृष्ण बैठे हों, और गीता अगर हमें व्यास जी से सुननी हो, तो इस वजह से हमने कहा जब ये इस अवसर का हम इस्तेमाल करने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, बड़ी कृपा आपने हम लोगों के ऊपर की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।